इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका अलजेब्रा में कितना अच्छा तैयारी है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे दिया है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको जल्दी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी इज, ये 4 ऑप्शन है आपके गिवेन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि p एक प्राइम नंबर है और p का जो भी फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी होगा, तो ये 4 ऑप्शंस में से आपके कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो अगर p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो नंबर होता है उसके अलावा 1, बस 2 ही फैक्टर होता है, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो p है उसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 1 और एक खुद वो p, तो 2 हो जाएगा 1 और p। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा गिवन कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जब आपका रूट्स गिवन होता है। तो हमारा रूट्स क्या है, 1 और p, तो सम ऑफ रूट्स कर देंगे 1 प्लस p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू p कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू x प्लस p इज इक्वल टू जीरो। तो ये 4ों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ये हमारा एक सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, नहीं तो दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। 2 के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपका पॉलीनोमियल का दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन पी क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम देखें तो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आपका कितना दिया हुआ है, माइनस 2 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, ये पुट करके हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, माइनस 2/3, जो कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो बस उसी फॉर्मूला पे हमें इस इक्वेशन को रखना है माइनस बी बाई ए पे, तब जाके हमें सही आंसर मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दोनों को इक्वल कर दिए तो यहाँ पर से हमारा माइनस हो गया, बी कितना है यहाँ पे, माइनस 2 इज इक्वल टू सी कितना है, 3 3p है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 3p और p इज इक्वल टू 2/3 आ गया हमारा। तो यहाँ पे भी सिर्फ प्लस माइनस से ही हम बच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते और अगर डायरेक्ट हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा 3 3p कर देते तो डायरेक्ट हमारा p 2/3 आ जाता, जो कि हमारा -2/3 आ जाता, जो कि हमारा गलत ऑप्शन होता। हम इसे उसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर लाएंगे, डायरेक्ट देख के नहीं लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व किए तब हमारा p इज इक्वल टू 2/3 आया, +2/3 आया, तो हमारा 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका क्वेश्चन है, उसमें आपका इनकंसिस्टेंट जो कंडीशन है वो आपका गिवन है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा ये 4 ऑप्शन में से। क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू 1 एंड 2k - 1 × x k - 1 × y इज इक्वल टू 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन से क्या होता है। तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि वो क्या होता है, जब आपका कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बस इसी कंडीशन पे हमें यहाँ से a1 और a2 का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो हमारा k का आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे एक बार पहले हम अच्छे से यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 का यहाँ पे हम क्लियरली यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पे आराम से लिखेंगे, a1 क्या हो जाएगा हमारा 3, b1 क्या, b1 1 और c1 1, और यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा हमारा 2k - 1 और b2 k - 1 और c2 2k + 1, सारे वैल्यूज लिख लिए, अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो a1 कितना है 3, तो यहाँ पे हम सारा वैल्यूज रख दिए, तो यहाँ से नॉट इक्वल है तो इसको नहीं करेंगे, इक्वल में है तो ये दोनों को इक्वेट करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा k इज इक्वल टू 2 आता है। तो k इज इक्वल टू 2 आया तो हमारे इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2। तो हमारा सेक्शन ए में बस उतना ही क्वेश्चन था। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी जो होता है हमारा 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का। तो 21st क्वेश्चन है हमारा,
इफ 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501, then find x is equal to what and y is equal to. तो ये दो इक्वेशन हमारे इवन है, तो x और y दोनों का हमको वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में ही देखें तो अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आराम से 100 आ जाएगा, इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा. तो हम ऐड करते हैं पहले दोनों इक्वेशन को. तो जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000 आ गया. तो यहाँ से x प्लस y क्या आ जाएगा, 10, 100 कॉमन किया, 100 कॉमन करके 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 10 आ गया. अब फिर जब हम इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखें सेकंड में अगर फर्स्ट को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 51x है, 49x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा. तो हमारा क्या आएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ गया. तो यहाँ से हमारा x माइनस y इज इक्वल टू 1 आ गया. दो एक सिंपल से इक्वेशन आ गया हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1. बस इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे. तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो y y हमारा कैंसिल जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव में है. तो हमारा 2x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 11 बाई 2 आ गया. और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करते हैं अगर x का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 माइनस 11 बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2. तो x आ गया हमारा 11 बाई 2 और y आ गया हमारा 9 बाई 2. क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सॉल्व हो गया जो 2 मार्क्स का था. 21 के बाद हमारा एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि हमारा पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है हमारा, इफ द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये इस पॉलीनोमियल का जो जीरोज है वो डबल है, इस पॉलीनोमियल का जो जीरोज होगा उसका, तब हमारा p और q का वैल्यू क्या आएगा. तो अगर हम इस इक्वेशन को जीरोज को अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाई ए, तो हमारा 5 बाई 2 आ जाएगा. और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो हमारा माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा. तो क्या था क्वेश्चन में हमारा, इस इक्वेशन का डबल हो जाएगा, इस पॉलीनोमियल का रूट का डबल हो जाएगा. तो यहाँ पे अल्फा जो है वो 2 अल्फा हो जाएगा और बीटा जो है वो 2 बीटा हो जाएगा. लेट 2 बीटा एंड 2 अल्फा एंड 2 बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये हमारा 1 है. तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा लिखेंगे अल्फा बीटा की जगह पे, क्योंकि डबल हो जाता है इसलिए. और प्रोडक्ट हम लिखेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, क्यू सी बाई ए क्यू बाई 1. तो यहाँ पे ऐसे हमारा 2 कॉमन और 2 कॉमन करेंगे तो हमारा अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा. और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, 5 बाई 2. तो 5 बाई 2 यहाँ रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू हमारा माइनस 5 आ जाएगा. और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना, 4. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा इंटू बीटा हमारा यहाँ पे कितना आया था, माइनस 3 बाई 2. तो माइनस 3 बाई 2 हम यहाँ पे रखेंगे, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 टू 6 होता है, क्यू इज इक्वल टू हमारा माइनस 6 आ गया. तो पी इज इक्वल टू हमारा माइनस 5 एंड क्यू इज इक्वल टू हमारा माइनस 6 आ गया. तो पी और क्यू दोनों का वैल्यू हमें मिल गया. तो ये क्वेश्चन हमारा टोटल 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का है. तो इसको हम इसी तरह से अच्छे से लिख के सॉल्व करेंगे ताकि हमें पूरे मार्क्स अच्छे से मिले. तो ये हमारा सेक्शन सी का एक दूसरा क्वेश्चन, अभी 27 किया था सेक्शन सी का, अब हम 28 करेंगे. ये भी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस दैन शेड्यूल्ड टाइम. एंड इफ द ट्रेन विल्स ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन शेड्यूल्ड टाइम. फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. ये हमारा एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें उसका डिस्टेंस निकालना है. तो क्वेश्चन में है हमारा कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड ना ही उसका घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है. तो अगर इस ट्रेन की स्पीड को अगर हम 6 से बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, उसको 4 घंटा कम टाइम लगता है, जो डिस्टेंस उसको पहुंचना है उसको 4 घंटा कम टाइम लगता है. अगर उसकी स्पीड को हम 6 किलोमीटर से स्लो कर देते हैं, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड को हम घटा देते हैं, तो उसको 6 घंटा और टाइम लगेगा पहुंचने में. तो आपको बताना है लेंथ ऑफ द जर्नी. तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो हम इसको अच्छे से ही लिखेंगे ताकि हमें पूरा मार्क्स मिले. ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन का मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आराम से अपना चल रहा है, ठीक है. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन को हम वाई आर मान लेते हैं. सो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन. ओरिजिनल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वाई आर. डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई किलोमीटर. सो इफ द स्पीड इंक्रीजेज बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन टाइम रिड्यूसेस बाय 4 आवर. ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है ये कंडीशन. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है. डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, x इंटू वाई इज इक्वल टू स्पीड क्या है हमारा, 6 से बढ़ रहा है, ऐड कर दिए प्लस 6 इंटू टाइम जो हमारा 4 से घट है, माइनस 4 कर दिए. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों इक्वेशन को, इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है. अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, इफ स्पीड इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन टाइम इंक्रीज बाय 6 आवर. तो स्पीड जो है वो हमारा 6 से घट रहा है, माइनस 6 कर दिए, और टाइम जो है वो 6 से बढ़ रहा है, प्लस 6 कर दिए, मल्टीप्लाई किए दोनों को, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो हमारा सॉल्व करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया. इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकंड इक्वेशन आ गया. अब तो हमारा x और y का वैल्यू मिलेगा, दो इक्वेशन तो आ गया हमारा.
सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा x माइनस सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स है, इसको अगर टू से मल्टीप्लाई करते तो हमारा टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल ट्वेल्व आ जाता है। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा टू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू हमारा ट्वेंटी फोर आ जाएगा। इस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर को अगर हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो हमारा एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी बाई टू आता है, एक्स इज इक्वल टू हमारा थर्टी आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारा x इंटू वाई, एक्स भी हमें मिल गया y भी हमें मिल गया, x कितना है हमारा 30, y कितना आया 24, दोनों को मल्टीप्लाई किया 720 किलोमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ जर्नी मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रेन को 720 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है उस ट्रेन को। तो इसी तरह से एग्जाम में हम अच्छे से इसको लिख के सॉल्व करेंगे ताकि हमारे फुल मार्क्स आए। सेक्शन सी तो हो गया, अब आ गया सेक्शन डी। तो सेक्शन डी जो होते हैं हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, तो 5 मार्क्स के हैं तो क्वेश्चन भी तो होगा ही क्योंकि वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को पहले समझेंगे क्या बोल रहा है फिर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व नहीं करने लगना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। टाइम हमारे पास एग्जाम में कम होता है तो हम एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छे से समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा सेक्शन डी में जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल सेपरेटली इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल द पूल। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में आपका बोल रहा है एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल जो है वो दो पाइप की मदद से भरा जा रहा है, तो एक पाइप जो है वो आपका बड़ा है जिसका डायमीटर बड़ा है ठीक है, और एक पाइप जो है वो आपका छोटा है, छोटा डायमीटर है उसका। तो जो बड़ा पाइप है उसको 4 घंटा टाइम लगता है और जो छोटा पाइप है उसको 9 घंटा टाइम लेता है वो, लेकिन सिर्फ वो आधा पुल भरता है। आधा पुल भरने के लिए जो बड़ा पाइप है हमारा वो 4 घंटा लेता है और जो छोटा पाइप है वो 9 घंटा लेता है। तो अगर जो छोटा पाइप है उसको 10 घंटा ज़्यादा लगता है बड़ा पाइप से उस पूरा पुल को भरने में, तब आपको बताना है कि जब दोनों अलग अलग भरेंगे पुल को तब उसको कितना टाइम लगेगा, दोनों को अलग अलग, स्मॉलर को कितना लगेगा और लार्जर टाइम लार्जर पाइप को कितना लगेगा। क्वेश्चन को समझ लिए तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लार्जर पाइप की जो लार्जर पाइप है जिसको जो पूल को भर रहा है उसका टाइम को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो स्मॉलर पाइप कितना हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टेन हो जाएगा। एक्स प्लस टेन क्यों होगा क्योंकि स्मॉलर पाइप को 10 घंटा और लगता है लार्जर पाइप से भरने में पूल को ठीक है। तो लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द पूल इज इक्वल टू एक्स आर, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन आर, इन 4 आर पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप 4 बाय एक्स हो जाएगा क्योंकि, तो 4 घंटा में लार्जर पाइप के द्वारा टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारा 4 बाय एक्स आर, और 9 आवर्स में हमारा स्मॉलर पाइप से टाइम टेकन कितना हो जाएगा 9 बाई एक्स प्लस 10 आवर्स। तो दोनों जो है वो मिलके आधा पुल को भरता है, तो दोनों का ऐड करेंगे इज इक्वल टू हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ पुल को दोनों फिल करता है, दोनों का ऐड कर दिए और इज इक्वल टू 1 बाई टू कर दिए, हाफ कर दिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। 16x को हम स्प्लिट करेंगे 20 एंड 4 में, 20 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है और जब ऐड करते हैं तो माइनस 16 आता है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 20 आ जाएगा, बट माइनस 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारे से क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 20 बचेगा और x प्लस 10, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो लार्जर पाइप को उस पूल को फिल करने में 20 आवर्स लगेंगे और स्मॉलर पाइप को 30 आवर्स लगेंगे। यहाँ पे दिख भी रहा है कि 10 घंटा स्मॉलर पाइप को ज़्यादा लग रहा है उस पूल को भरने में, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सही आया है।